लॉकडाउन 4.0 को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के पहले दिन राजधानी की सड़कों पर रौनक दिखाई दी। सूनी पड़ी सड़कों पर ट्रैफिक कुछ इस कदर उमड़ा जैसे लॉकडाउन खत्म कर दिया गया हो। वहीं गाइडलाइन जारी होने के पहले दिन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ने। के चौथे चरण की शुरुआत होने के बाद जब कल राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी करी तो उसके बाद लोगों में जो निकलने का उत्साह था वो अब ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ट्रैफिक है वो पहले की तरह लगभग 2 महीने पहले जब राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन चालू किया था उस टाइम पर जिस तरह का ट्रैफिक रहता था वैसा ट्रैफिक वापस सड़कों पर आ चुका है। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ दुकानों को खुलने की छूट दी है लेकिन जो ट्रैफिक है उसमें लोग लगातार घर से बाहर निकलने की जो एक जद्दोजहद में पिछले 3 लॉकडाउन से लगे थे वो चौथा चरण शुरू होते ही इनका तेज दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लगातार जो अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ जो लोग हैं यहाँ पर वो बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने मास्क को कंपल्सरी किया हुआ है उसके बावजूद लोग उसका पालन करते भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रैफिक है वो लगातार जो सड़कों पर निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर शहर की बात करी जाए तो शहर इस समय चकाचौंध दिखाई दे रहा है। जो गाड़ियां हैं वो लगातार जो सड़कों पर निकलती दिखाई दे रही है। हालांकि यदि चारदीवारी इलाके की बात करी जाए तो चारदीवारी इलाके में सन्नाटा भी दिखाई दे रहा है। जो पुलिस की शक्ति थी वो तेज दिखाई दे रही है जैसे पहले शक्ति पुलिस ने कर रखी थी उसी प्रकार की शक्ति की हुई है। नाकेबंदी पुलिस ने कर रखी है वहां पर जाँच चल रही है। इसके साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन का काम था वो अभी भी जारी है। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं या वहाँ की तरफ जा रहे हैं उनकी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि चार दीवारी जो कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है राज्य सरकार ने जयपुर ज़िले में उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ का पूरा खास ख्याल रखा जा रहा है कि यदि कोई वहाँ से आता है या उधर की तरफ जा रहा है तो उसकी गाड़ी को सैनिटाइज किया जाए जिससे जो संक्रमण का खतरा है वो कम से कम रहे। हालाँकि यदि ट्रैफिक की बात करी जाए तो ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ जो कुछ आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा जो चले हैं चौराहे पर ई रिक्शा खड़े हुए हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है जिसके बाद जो प्रशासन है वो हालांकि सभी को जा जाकर ये बात बार बार समझा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें मास्क लगाएं लेकिन लोग इसको समझने के लिए अभी भी राजी नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा खड़ा होने के बावजूद वहाँ पर भीड़ लगी हुई है जिसके चलते यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी भी धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं। शहर की यदि बात करी जाए तो शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ट्रैफिक लाइट्स थी उनको भी चालू कर दिया गया है जिसके बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हमारे साथ ट्रैफिक कर्मचारी सीमा जी हम उनसे बात करेंगे। मैम आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन है सरकार ने कल गाइडलाइन जारी करी है क्या कुछ फर्क देख रहे हैं ट्रैफिक में कितने लोग आप रोड पर दिखाई दे रहे हैं? शहर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आप भी खुद भी देख रहे हो जगह ही नहीं है जो उसके लिए लाइट पे लेनी पड़ी है आप अपन को और खूब ट्रैफिक निकल रहा है। क्या लोग कुछ ऐसे भी लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो जैसे अभी मैंने चौराहे पर देखा सोशल डिस्टेंसिंग के भी ख्याल नहीं रख रहे हैं साथ कुछ भी नहीं है आप देख रहे हो गाड़ी छुड़ाने वाले भी कितने ऐसे खड़े हुए हैं और पब्लिक भी ऐसे निकल रही है कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रैफिक पुलिस की भी मानी जाए तो लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से ट्रैफिक इस समय शहर में बढ़ा है उसके चलते शहर में एक रौनक जरूर लौटी है लेकिन ये कहीं ना कहीं शहरवासियों के लिए खतरा भी हो सकता है। मैं कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर।